कोरोना संक्रमण दुनिया भर में कहर बरपा रहा है। ऐसे में इस संक्रमण से बचाव के लिए दवाओं, वैक्सीन समेत तमाम तरह की इलाज पद्धतियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। भरतपुर के आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर चंद्र प्रकाश दीक्षित का कहना है कि कोरोना से बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मानव का इम्यूनिटी तंत्र मजबूत होना। उनका कहना है कि आयुर्वेद में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सदियों से औषधीय पौधे ऊंट कटारा का इस्तेमाल किया जाता है। खास बात यह है कि ऊंट कटारा दिखने में कोरोना वायरस जैसा दिखता है। तो ऊंट कटेरा, ऊंट कंटक जिसे कहते हैं, इचिनोटा इचिनोप्स जिसका लैटिन नाम है इचिनोप्स इचिनाटा, जो पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी भारत में बहुत ऐसे मिलता है, तो उसकी जो पुष्प की रचना है वो बिल्कुल कोरोना संक्रमण का जो वायरस है उससे बिल्कुल हूबहू मेल खाती है। जब इस पर थोड़ा देखा गया, इस पर विचार किया गया, तो इसकी जो रचना है फूल की वो बिल्कुल कोरोना संक्रमण वायरस से बिल्कुल मेल खाती है। तो ये कोरोना संक्रमण पर इसकी जो हमारी उपयोगिता है ऊंटकंटक की, ऊंट कटेरा की, तो बिल्कुल इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने वाली है। एंटीबायोटिक है, एंटीफंगल है और ये एंटीपायरेटिक भी है। इसके पंचांग को काढ़ा बना करके यदि हम सुबह एक कप के रूप में हम प्रातः लेते हैं, सेवन करते हैं, तो हम देखते हैं कि वो हमारे शरीर में इम्यूनिटी बूस्टर करती है, हमारे शरीर में जो कोरोना संक्रमण से जो फीवरिश की स्थिति बनती है उसको रोकती है। डॉक्टर दीक्षित ने तर्क दिया कि अखरोट और गोखरू की संरचना जैसे मस्तिष्क और यकृत जैसी होती है और इन्हें ये प्रभावित भी करता है, उसी तरह कोरोना वायरस जैसा दिखने वाला ऊंट कटारा भी कोरोना से लड़ने में सक्षम होगा। उन्होंने ऊंट कटारा के सेवन की विधि भी बताई। तो इसके पंचांग को लेकर के पूरे पौधा को खा लीजिए, उसको थोड़ा सा यकूट करिए और चाहे वो गीला हो चाहे सुखा के भी अपन काम में ले सकते हैं, और एक गिलास पानी में इसकी एक डेढ़ चम्मच डाल दो, बॉल करते करते जब एक कप शेष रह जाए तो छान करके इसके उपयोग करने पर ये हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, रोगों से बचाने के लिए बहुत अत्यंत उपयोगी औषधि है। ऊंट कटारा संक्रमित रोगी को स्वस्थ करने में कितना कारगर है इस पर तो रिसर्च नहीं हुई है, लेकिन इसके बारे में खोजने पर आपको ये जानकारी जरूर मिल जाएगी कि कोरोना जैसा दिखने वाला ये पौधा औषधीय गुणों से भरपूर है। एटीवी भारत के लिए भरतपुर से श्यामवीर सिंह की रिपोर्ट।